हेलो गाइस, तो मैं हूँ आपका फ्रेंड निशांत। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ डबल एक्सपोजर फ़ोटो एडिटिंग। तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते एडिटिंग। तो पहले हम पिक्सआर्ट ओपन करेंगे। गाइस इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलिए @killernishant, ताकि आपको नई नई आने वाली इमेजेस का जल्दी पता चल सकता है कि मैं कौन सी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद हम वाइट कलर का बैकग्राउंड चूज़ करेंगे, कुछ ये वाला। फिर इसे यहाँ से डन करके एडिट इमेज के कीजिए। फिर हम ऐड फोटो पे जाके अपने बॉडी का एक मॉडल पीएनजी चूज़ करेंगे, जिसका बैकग्राउंड मैंने पहले से क्रॉप किया है। तो आप भी उसे आज क्रॉप कर लीजिए अपने फ़ोटो को अच्छी तरह से। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आपको उसकी वीडियो बना कर दिखाऊंगा कि फ़ोटो की बैकग्राउंड क्रॉप कैसे करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं यहाँ सेट करके डन कर दूंगा। और उसके बाद फिर से ऐड फोटो पे जाऊंगा और एक मेरे पास पीएनजी है, मैं उसे यूज़ करूंगा। इसकी लिंक सारी पीएनजीस की मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी है, और आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस पीएनजी को कुछ इस तरह यहाँ पर सेट करूंगा। सेट होने के बाद मैं जाऊंगा ड्रॉ टूल पर, जहाँ पर मैं ब्रश चूज़ करूँगा और ब्रश का कलर लूँगा वाइट। और जो नीचे वाले जो पोर्शन है बॉडी का, उसे पूरा तरह से इरेजर से इरेज कर दूँगा, ताकि नीचे वाला पार्ट हमारी फ़ोटो में ना दिखे। सिर्फ ड्रिपलिंग इफ़ेक्ट तक ही हमारी फ़ोटो दिखे, वो अच्छी दिखेगी। फिर गाइज यहाँ पर इरेज हो चुका है। फिर इसके बाद गाइज मैं यहाँ से डन कर दूँगा। और गाइज हम फिर से ऐड फोटोज़ पर जाएंगे, जहाँ पर मैं और एक पीएनजी लूँगा जो कि नेचर का है, ये वाला। मेरे पास दो पीएनजी से, वैसे मैं दोनों आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी है, तो आप दोनों में से कोई भी एक ट्राई कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे ब्लेंड पर जाके लाइटन ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसे कुछ इस तरह से अपनी शर्ट के ऊपर सेट कर दूँगा। सेट होने के बाद गाइज मैं जाऊँगा इरेजर टूल पर। इरेजर टूल पर जाने के बाद इरेजर के हार्डनेस पूरी तरह से कम कर दूँगा, कैपेसिटी को थोड़ा कम कर दूँगा, और अपनी फेस और शर्ट की जो लाइनिंग्स होती बॉर्डर, उस पर लाइटली इरेज कर दूंगा कुछ इस तरह से। और गाइस यहाँ पर मैं इरेज कर चुका हूँ। तो अब मैं जाऊँगा एड्रेस टूल पर और सैचुरेशन को +44 तक सेट कर दूंगा और यहाँ से डन कर दूंगा। फिर गाइस मैं जाऊँगा गैलरी में, जहाँ पर मैं बालों का एक पीएनजी यूज़ करना चाहूँगा। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया है। तो ये रहा, इसे मैं कुछ इस तरह यहाँ पर सेट कर दूँगा अच्छी तरह से। तो गाइस देख सकते हैं मेरे बाल अभी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, आप भी इसे यूज़ कीजिए। यहाँ पर मेरे बालों का पीएनजी तो लग चुका है, अब मैं यहाँ से डन कर दूँगा। और हमारा पिक्सआर्ट में का काम तो 90% पूरा हो चुका है। तो अब मैं इसे थोड़ा इफ़ेक्ट देना चाहूँगा, तो मैं जाऊँगा इफ़ेक्ट टूल पर, जहाँ पर मैं जाऊँगा लोमो ऑप्शन में। जो कि ये रहा, फिर इस पर क्लिक और एक बार क्लिक करूँगा, इसका अमाउंट 0 कर दूँगा, फेड को 80 के पास कर दूँगा, और विग्नेट को भी थोड़ा मैनेज कर लूँगा। आप भी अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। और यहाँ से इरेजर टूल से अपनी फेस के ऊपर का इफ़ेक्ट इरेज कर दूँगा। तो गाइज मेरी यहाँ पर फ़ोटो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो काफ़ी बढ़िया लग रही है, तो आप भी इसे ट्राई कीजिए। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना
शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।